हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप फ्लिपकार्ट से शूज़ या जूते का ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शूज़ या जूता कैसे ऑर्डर कर सकते हैं आप फ्लिपकार्ट से। तो जैसे कि दोस्तों, आप फ्लिपकार्ट से जब भी आप शूज़ ऑर्डर करते होंगे तो वहाँ पे आपको साइज़ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो उसमें आप गड़बड़ी करते हैं, उसमें आपको सही से साइज़ सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपका जो शूज़ है वो परफेक्ट साइज़ का आपके घर तक पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे कैसे करना है, जिससे कि आप परफेक्ट शूज़ का साइज़ खरीद सकते हैं। तो चलिए कैसे शूज़ ऑर्डर करते हैं आज के वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कीजिए। जैसे दोस्तों अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ब्रांड एंड मोर। अगर आपको किसी भी ब्रांड का सूच चाहिए तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लिख करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बाटा हो गया या फिर जो भी हो गया, XYZ या फिर जो भी आप XYZ जो भी शूज़ आप पसंद करते हैं उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। या फिर आपको लोकल शूज़ भी परचेज़ करना है तो यहाँ पे सिर्फ शूज़ लिख के सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपके सामने शूज़ आ जाएंगे। तो चलिए कैसे उनका साइज़ सेलेक्ट करना है और कैसे हम ख़रीदेंगे फ्लिपकार्ट से आज की वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं एग्जाम्पल के नॉर्मल शूज़ एक खरीदूँगा तो यहाँ पर शूज़ लिख करके सीधा सर्च करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे शूज़ की वैरायटी हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं सर्च में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे शूज़ आ चुके हैं, जो कि अमाउंट भी ठीक ठाक है और ये नॉर्मल डेली यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें से एक शूज़ कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ख़रीदते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये वाला शूज़ ख़रीदूँगा और इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेगा उसके बाद आपके सामने फिर से पेज खुलेगा। थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से ये यहाँ पर टाइम लग रहा है तो हम यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आप पेज खुला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कलर भी कैसे सेलेक्ट करना है वो भी इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि ये शूज़ है, ये साइड से कैसे दिखेगा आप जब पहनेंगे तो ये सारा लुक यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर नीचे देखिए ध्यान से, यहाँ पर 6 कलर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जब आप फ्लिपकार्ट से शूज़ ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर कलर का भी ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि आप अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर 6 कलर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर कलर्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको कलर्स मिलते हैं, तो जो भी कलर आपको चाहिए शूज़ का वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये वाला चाहिए तो हम ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद अब यहाँ पे साइज़ है जो कि मेन है, यहाँ पे लिखा है साइज़ UK इंडिया। अब आपके घर में जो भी आप शूज़ यूज़ कर रहे होंगे वो शूज़ के पीछे देखिए कि उसका कितना साइज़ है, 8 नंबर है या 9 नंबर है, उसके पीछे देखिएगा, वो UK इंडिया साइज़ ही रहता है। या फिर आप जो चप्पल यूज़ करते हैं नॉर्मली, उस चप्पल का भी साइज़ आप डाल सकते हैं। तो चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे UK इंडिया हमारे पास शूज़ है, यहाँ पे साइज़ चार्ट है कितना कितना, यहाँ पे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर में ही ये अवेलेबल है बस, और इससे ज़्यादा ये अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे जो है 8 नंबर का शूज़ आता है तो हम 8 में क्लिक करेंगे। अगर आपको 7 आता होगा तो 7 में क्लिक करेंगे। आपको XYZ जो भी आता है वो क्लिक करिएगा। और यहाँ पर जब हमने 8 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर Euro 42 आ गया, यानी कि 42 भी लिखा रहता है किसी किसी शूज़ के पीछे। तो चलिए अब यहाँ पे हमने 8 नंबर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बाय नाउ, अगर आपने एड्रेस नहीं डाला है तो आपको एड्रेस डालने के लिए बोलेगा। तो चलिए हम बाय नाउ में क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप बाय नाउ में क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। अगर आपने एड्रेस नहीं डाला है तो आपको एड्रेस डालने के लिए बोलेगा कि किस एड्रेस पर आप इस शूज़ मंगाना चाहते हैं। चलिए चलते हैं हम नीचे, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए प्राइस कितना है इसका, और यहाँ पे डिस्काउंट आपको कितने मिल रहे हैं और ये सारा कुछ, और यहाँ पे डिलीवरी चार्ज कितने लग रहे हैं, बिल्कुल फ्री है डिलीवरी चार्ज। तो चलिए हम यहाँ पे नीचे अब कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इसमें हम क्लिक करेंगे। जिस दोस्तों कंटिन्यू में आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने फिर से एक पेज, नया पेज खुलेगा और जो पेज रहेगा वो पेमेंट्स का रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर पेमेंट्स का पेज हमारा खुल चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपको नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल पे UPI से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे UPI फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे वॉलेट से यानी कि पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में कैश ऑन डिलीवरी ही ऑर्डर करूँगा। तो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी वाला जो यहाँ पर राउंड आपको दिख रहा है इसमें आपको टिक मार्क करना है ये यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पे टिक मार्क हमने कर दिया। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑर्डर का,
तो चलिए हम प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप प्लेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा। अब यहाँ पे आपको लिख रहा है कि 441, तो ये जो कोड लिखा गया है इस कोड को आपको यहाँ पे वापस से डाल देना है 441। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्फर्म ऑर्डर लिखा हुआ है तो ये कन्फर्म ऑर्डर में आपको एक बार क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है स्टेटस दिखाएगा कि आपका ऑर्डर जो है वो कन्फर्म हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो चुका। तो दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।